अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ जरूरी और बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करूंगा। वीडियो आप आखिर तक जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो सबसे पहले एक जरूरी खबर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे लोगों के पास इस तरह का मैसेज गया है तवक्कलना पर, और ये मेरे पास भी आया है। ये स्क्रीनशॉट जो है मैंने लिया है, और यहाँ पर बताया जा रहा है करेक्ट योर ट्रेड, यानी अपने ट्रेड को जो है आप सही कराएं, और 16 फरवरी 2022 तक का जो है इसमें टाइम दिया गया है, इससे पहले पहले आपको जो है ये जो है सही कराना है। बहुत सारे लोग जो है सवाल कर रहे हैं कि भाई मेरा जो है ट्रेड सही है, मेरे अकाउंट में जो ट्रेड लिखा हुआ है वही मैं काम कर रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई हरूब नहीं है, मैं कंपनी से नहीं भागा हूँ, यानी सब कुछ ठीक है, तो ये जो है मेरे पास मैसेज क्यों आ रहा है? क्या मुझे अब जो है टेस्ट देना होगा? जैसे कि आपको मालूम है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स की तरफ से जो है बताया गया है कि जो डोमेस्टिक वर्कर हैं या जो यानी आमिल है, उनके अलावा जितने भी सऊदी अरब के अंदर यानी कैटेगरी हैं जो टेक्नीशियन हैं, उन सबको जो है टेस्ट देना होगा, तभी उनका अकाउंट रिन्यूअल किया जाएगा। तो बहुत सारे लोग जो है कन्फ्यूज़ हैं कि आप जो है मुझे टेस्ट देना होगा क्या अपने ट्रेड को सही कराने के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, लगभग सभी लोगों के पास जो है इस तरह का मैसेज जो है गया है, नोटिफिकेशन गया है तवक्कलना पर। तो ये जो नोटिफिकेशन गया है असल में ये उन लोगों के लिए है जो लोग जो है बिजनेस करते हैं सऊदी शहरी के नाम पर। अगर कोई गैर मुल्की काम कर रहा है या गैर मुल्की के नाम पर कोई सऊदी शहरी काम कर रहा है, तो बेसिकली ये जो मैसेज गया है ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से भेजा गया है, जिसमें यह बताया गया है कि 16 फरवरी 2022 का जो है आखिरी दिन इसमें है, और अगर कोई इस तरह से काम कर रहा है जो कि अब इलीगल है आपको मालूम है, और इसके बारे में जो है यहाँ पर खबर भी आई है, इसके बारे में जो है मैं आपको बता देता हूँ। जो सऊदी शहरी के नाम पर गैर मुल्की काम कर रहा है या गैर मुल्की के नाम पर कोई सऊदी शहरी काम रहा है, तो उसमें जो डेडलाइन दी गई थी 16 फरवरी 2022 की, अब इसको मजीद एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। यानी ये जो रूल था काफी पहले था, लगभग 6 महीने पहले जो है डेडलाइन दी गई थी, लेकिन फिर जो है इसको गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ा दिया गया था कि 6 महीने लगभग दिए गए थे जो कि कल खत्म हो जाएंगे, सिर्फ कल का दिन जो है इसमें बाकी है। तो आप लोगों को जो है घबराने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास जो है ये गया है। ये ट्रेड बेसिकली बिजनेस से रिलेटेड है, जो लोग कारोबार करते हैं उनके लिए है। और एक और चीज यहां पर मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई हमारा गैर मुल्की भाई सऊदी अरब के अंदर सऊदी शहरी के नाम पे काम कर रहा है, तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप जो है पकड़े जाते हैं, और पकड़े ही जाएंगे क्योंकि चेकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है यहाँ पर, तो 5 साल की कैद है और 50 लाख रियाल का जुर्माना है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो है कुछ ऑप्शन भी दिए हैं, अगर सऊदी शहरी चाहता है अपने नाम पर काम करना तो पूरा जो कारोबार है वो सऊदी शहरी के नाम पर जो है कर दिया जाए, या अगर गैर मुल्की चाहता है वो जो है खुद कारोबार करना, तो जो सऊदी शहरी है वो पूरा कारोबार जो है गैर मुल्की के नाम जो है कर दे, या फिर सऊदी शहरी को अपना कारोबार जो है ख़त्म करना होगा। और इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि गैर मुल्की मुनफरद इकामा भी हासिल कर सकता है, लेकिन उसकी जो फीस है वो बहुत ही ज़्यादा है, वो जो है हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर कोई बहुत बड़ा जो है बिजनेसमैन है तो वो मुनफरद जो है इकामा के लिए अप्लाई कर सकता है, बनवा सकता है। और इसमें आखिरी ऑप्शन जो है ये दिया गया है कि गैर मुल्की को सऊदी अरब से जाने की इजाज़त है। अगर गैर मुल्की जो है सऊदी शहरी के नाम पे नहीं कर रहा है कारोबार, अपने नाम पर भी जो है नहीं कर रहा है, तो वो सऊदी अरब छोड़ के जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और याद रखना इस बात को कि कल कल का दिन जो है इसमें आखिरी दिन है, कल तक जो है इस पर काम होगा, और उसके बाद जो है सज़ा और जो जुर्माना है वो मुकर्रर कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक और खबर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, 10 महीने में मनी लॉन्ड्रिंग के 9 बड़े केसेस 29 अरब रियाल से ज़्यादा जब्त किए गए हैं सऊदी अरब के अंदर। और ये चीज़ जो है क्यों हो रही है? ये है जैसे कि आपको मालूम है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो कि यानी कारोबार इलीगल तरीके से कर रहे हैं लोग, अब जो है बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र कर नहीं सकते वो, क्योंकि अगर इस तरह से करेंगे बहुत मोटी रकम जो है वो अपने मुल्क में ट्रांसफ़र करेंगे तो पकड़े जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो लोग जो है यहाँ पर इलीगल तरीके से सऊदी अरब से अपने मुल्कों में पैसा भेज रहे थे, जो कि लगभग 10 महीने के अंदर अंदर 29 अरब रियाल से भी ज़्यादा जब्त किए गए हैं, जिसमें सऊदी शहरी भी शामिल है, उनको भी गिरफ्तार किया गया है, जो कि बैंक से रिलेटेड थे, वो जो है कुछ सेटिंग कर रखी थी गैर मुल्कियों के साथ में, और गैर मुल्की भी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, उनको सज़ा भी दी गई है। और आज की कोरोना वायरस की रिपोर्ट आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। तो आज सऊदी अरब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह दिन पे दिन केसेस घट ही रहे हैं अब सऊदी अरब के अंदर। तो आज 1982 नए मरीज निकले हैं, 3372 लोग इस बीमारी से सेहतयाब हुए हैं, एक मौत हुई है, 1010 क्रिटिकल केस हैं जिनको आईसीयू में रखा गया है। और इसके अलावा एक भाई ने जो है सवाल किया था, भाई मैं 2 महीने पहले सऊदी गया नई वीज़ा पे, 2 महीने बाद काम करके मैं छुट्टी वापस इंडिया आ गया हूँ, क्या मैं दोबारा सऊदी जाऊँगा तो क्वारंटीन होगा या नहीं? मेरी तवक्कलना ग्रीन नहीं है। तो भाई अगर आपकी जो है तवक्कलना ग्रीन नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपने जो है वैक्सीन नहीं लगवाई है, तो फिर आपको जब भी आप सऊदी अरब का सफ़र करेंगे, फिलहाल जो अभी रूल्स रेगुलेशन है,
तो आपको यहाँ पर 5 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना होगा। और ऐसे लोग जिन्होंने सऊदी अरब से बाहर वैक्सीन लगवाई है उनको 5 दिन का ही इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन यहाँ पर किया जाता है। तो ये कुछ जरूरी खबरें थी, कुछ जरूरी जानकारी थी, मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। और आप जो है मेरी वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, पता नहीं क्या नाराजगी है। अगर कोई नाराजगी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।